अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं मोहम्मद सेल। आप देख रहे हैं क्रिकेट जोन यूट्यूब चैनल। दोस्तों, पाकिस्तान सुपर लीग के हर मैच की अपडेट हासिल करने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि इस पर डेली हर मैच के बाद फौरन पॉइंट टेबल की अपडेट अपलोड कर दी जाती है। दोस्तों, आज इस्लामाबाद यूनाइटेड ने कराची को शानदार मुकाबले के बाद शिकस्त दे दी। जी हाँ, कराची ने शानदार मुकाबला किया था, पहले बैटिंग की थी और शानदार मुकाबला करने के बाद इस्लामाबाद यूनाइटेड ने कराची किंग को शिकस्त देकर तीसरे से पहली पोजीशन पर कदम जमा लिए हैं। जी हाँ दोस्तों, इस्लामाबाद यूनाइटेड पहले नंबर पर पहुंच गई है और दूसरे नंबर पर कोटिया ग्लेडिएटर, तीसरे पर पिशावर जलमी, चौथे पर लाहौर कलंदर, पाँचवें पर मुल्तान सुल्तान, छठे पर कराची किंग। दोस्तों, अभी भी इनके पास चांसेस मौजूद हैं कि ये मैच जीत कर खुद को PSL में कायम रख सकें, नहीं तो ये PSL से बाहर हो जाएंगी। कराची किंग के लिए अभी चांस है, लेकिन अगर ये दो मैच आगे हार जाती है तो फिर चांसेस खत्म हो जाते हैं। और इसके बाद मुल्तान सुल्तान के पास भी चांसेस हैं। हर टीम ने 10 मैच खेलने हैं। दोस्तों, इस्लामाबाद यूनाइटेड के 8 पॉइंट हैं, क्विटा ग्लेडिएटर के 8 पॉइंट हैं, पिशावर जलमी के 6 पॉइंट, लाहौर कलंदर के 6 पॉइंट, मुल्तान सुल्तान के 4, कराची किंग के 4 पॉइंट। मुल्तान सुल्तान 6 मैच खेलिए, 2 जीती 4 हारी, कराची किंग 6 खेलिए, 2 जीती 4 हारी। उसके बाद लाहौर कलंदर 6 खेली, 3 जीती 3 हारी, पिशावर जलमी 5 खेली, 3 जीती 2 हारी, क्विटा ग्लेडिएटर 6 खेली है, 4 जीती 2 हारी है। इसके बाद इस्लामाबाद यूनाइटेड 7 मैच खेल चुकी है, 4 जीती 3 हारी। तो दोस्तों, अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो ज़रूर सब्सक्राइब करें और साथ ही खड़े बेल आइकन के बटन को भी ज़रूर प्रेस करें। इसका फ़ायदा ये होगा कि आपको PSL 4 की और तमाम मैचेस की अपडेट फ़ौरन मिलती रहेगी। वीडियो देखने का शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़।